नमस्कार, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बतलाएंगे अपना। सर, हमारा नाम विष्णु कुमार मिश्रा है। मैं मूल रूप से प्रतापगढ़ जनपद की एक छोटी सी तहसील है कुंडा तहसील। मैं कुंडा तहसील में ही स्थित थाना अदगवां हनुमान नगर मिस्टर दयालपुर गांव का निवासी हूँ। और हमारे पिताजी एक संत रूप में हैं, श्री दीनानाथ महाराज जी, और विशेष करके हमारी माता जी, जिनका मेरे ऊपर बहुत स्नेह रहता है, और मेरी माँ की ही कृपा से सब कुछ ये संभव जो हो पा रहा है। मेरी माता जी हैं, जिनको श्री मती ललिता देवी जी हैं, तपस्विनी माता जी भी कहते हैं उनको। और इस तरीके से सर हम प्रतापगढ़ जनपद के हैं जी। तो आप इसको अनुपचर को जी दूसरा रूप छोटी काशी कहते हैं। जी जी जी। आप इस यहाँ पर छोटी काशी में बैठे हुए हैं। जी जी। गंगा किनारे पर। जी जी। आप किनारे पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप ये बतलाइए कि आप छोटी काशी अनुपचर में कैसे आए, क्यों आए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रयागराज जनपद से LLB की पढ़ाई करने के बाद 2019 में मेरी पढ़ाई संपन्न होती है, उसी समय कोविड का 2020 में कोविड का काल आ जाता है। और मैंने उस कोविड काल में देखा कि अपने प्रियजनों को, या कि बहुत वरिष्ठ लोगों को, या कि बहुत कह सके तो धनाढ्य लोगों को, जो कि कभी अपने आप को शायद समझते रहे हों कि पैसा ही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य रहा हो, या ना भी समझते रहे हों, तब भी उनको मैंने देखा कि एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़पते नजर आए, पहली बात। दूसरी चीज़, सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, और कभी कभी मैं बाल्यकाल में मैं देखा करता था कि लोग पीपल के वृक्ष की जब हम लोग पूजा करते थे, लोग हास्य परिहास उड़ाया करते थे कि आखिर पीपल। ऐसे पहले सवाल ये पूछा है, जी जी सर, क्यों आई? वही बता रहे हैं सर, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये मैंने महसूस किया, वहाँ से चलते हैं, मैंने महसूस किया कि पीपल के वृक्ष के नीचे लोगों को ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हुए देखा, और वहीं से मेरे मन में आया, चूँकि संस्कार तो बचपन से रहा है, मेरे यहाँ बाग बागवानी सब कुछ है, तो मैं पर्यावरण के महत्व को समझता था, लेकिन वहाँ से मेरे मन में दृढ़ इच्छा प्रबल होती गई कि वृक्ष ही हमारे जीवन का आधार है, यही मूल उद्देश्य है हमारे जीवन में इस तरीके से साइकिल से अनूप सहराने का। एक उचित समय की आवश्यकता होती है, मैं उचित समय का इंतज़ार कर रहा था, मेरी पढ़ाई पूर्ण हुई, कोविड काल समाप्त हुआ, तो मैंने साइकिल लेकर के वृंदावन से श्री हरिद्वार की जो यात्रा है प्रथम चरण की है, उसके बाद मैंने विचार किया है कि आप सभी का स्नेह रहेगा तो जैसा सब कुछ ठीक रहता है, तो द्वितीय चरण में विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में जाऊँगा, और लोगों को सर मैं बता रहा हूँ कि वृक्ष ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, और वृक्ष के बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम, इसी संकल्प को लेकर के हमारी पर्यावरण संकल्प यात्रा निकली है, ये आपके शहर बुलंदशहर में की धरती पर हम आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, और पावन गंगा जी के तट पर हम आकर के आपसे मिल करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी सर, वेरी गुड जी। तो आप अपनी जन्मभूमि से जी जी और वृंदावन कैसे आए? वृंदावन वहाँ साधन से आए, और उसके बाद वृंदावन में साइकिल की व्यवस्था करी, और फिर ज़्यादा अर्थ की व्यवस्था नहीं थी, जो 4500 रुपये, लोग सोचते हैं कि मैं किसी कार्य को, युवा बंधु मेरे सोचते हैं कि मैं किसी कार्य को करूं बहुत बड़े संसाधन होने चाहिए, ऐसा नहीं है, विचार आपके बड़े होने चाहिए। मैं 4500 रुपये की साइकिल, मैंने वहाँ कहा कि 4500 रुपये में साइकिल अगर मिल जाती है, 200 रुपये वहाँ कम हुआ, उसी तरीके से लेकर के 200 रुपये को लेकर के साइकिल लेकर के चले, और आप लोग पीछे जो है जिस भी तरीके से हो रहा है देख ही रहे हैं, आपके समक्ष विचार। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं? जी, प्रथम दृष्टया हमारा उद्देश्य, चूँकि इतने हम सामर्थ्यवान हैं नहीं, लेकिन विद्यालयों में जाकर के छोटे छोटे बच्चों को, प्राथमिक विद्यालय में जाकर के, इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, थाने में जाकर के, चिकित्सालय में जाकर के, चौराहों पर जाकर के, पेट्रोल पंप पे जाकर के, जहाँ भी लोग मिल रहे हैं, मैं लोगों को हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि सर एक वृक्ष लगा दीजिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मेरा विशेष बात मैं आपको बता दूँ, मेरी ना कोई संस्था है, ना कोई फंड है, ना मेरा कोई ATM, पेमेंट, गूगल कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं, सारात्रि जहाँ विश्राम करने का हो जाता है, कोई पूछ लेता है कर लेते हैं, पेट्रोल पंप पे रहते हैं, और मेरा उद्देश्य यही है कि लोग वृक्ष लगाएं किसी भी तरीके से, मैं अगर लोग मेरी कहीं भी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि आप एक वृक्ष लगाइए, क्योंकि सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम, यही मेरा संकल्प है। जी, जिस तरीके से आप साइकिल से आप यात्रा कर रहे हैं, जी जी, तो लोगों का क्या हेल्प मिलती है आपके लिए? लोग
सबसे बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया, लोग ये भारत भूमि इसीलिए पूजनीय है और भारत भूमि इसीलिए विश्व गुरु है और प्राचीन काल में भी थी। मैं देख रहा हूँ कि जब आप नेक इरादे से मंजिल पे निकलते हैं तो आप निकलते अकेले हैं, लेकिन रास्ते में आपके पीछे कारवां निकलता चला जाता है। और मैं बिल्कुल निकला, तो वास्तविक बात है कि निकला मैं अकेले था, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पीछे सभी जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं, जिनको मैं अपना परिवार मानता हूँ, प्रकृति प्रेमी परिवार के सभी सचिंतक लोग हैं, पर्यावरण के जितने विदेश के और जितने भी धरती के शुभचिंतक लोग हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं, मुझे रोक करके भोजन खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं, बहुत स्नेह मिल रहा है मुझे। तो आपकी यात्रा, अंतिम यात्रा कहाँ होगी? मेरी अंतिम तो सर अभी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी प्रथम चरण की यात्रा हरिद्वार में पूर्ण होती है। उसके बाद जैसा संतों का, आप सभी वरिष्ठजनों का जैसा भी आशीर्वाद होगा, उस तरीके से द्वितीय तिथि जो भी आगे बन पाएगा, जैसा भी बन पाएगा मैं करूँगा। और इसके साथ साथ भी बारिश के मौसम में, चूँकि हमारे यहाँ आम के बगीचे हैं, वहाँ से मैं गुठलियों का संग्रह करके एक वृक्षारोपण का जो भी हो सकेगा, मतलब जिस भी तरीके से हो सकेगा, मैं पर्यावरण के लिए तन से मन से धन से जिस भी तरीके से हो सकेगा मैं कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली है? बहुत बहुत ज़रूरी बात आपने पूछी है सर। वैसे तो मैं बता दूं कि बचपन से मेरे यहाँ बाग है, बागवानी है, और विशेषकर मैं आपको अपने क्षेत्र के विषय में जानकारी दे दूं, हमारा क्षेत्र फल पट्टी के नाम से घोषित है। कुंडा प्रतापगढ़ जनपद की तहसील जो है पूरी फल पट्टी है, हमारे यहाँ ईंट उद्योग आदि कुछ भी नहीं है, फल पट्टी है। पूरा पूरा कई किलोमीटर का एरिया वृक्षों से भरपूर है, लेकिन उसके हमारे जो पर्यावरण संरक्षण के विचार थे उसमें धार लग जाती है। माननीय श्री रघुराज प्रताप सिंह जी, राजा भैया जी का एक विद्यालय है और राजमहल भदरी के पास पड़ता है, बजरंग इंटर कॉलेज भदरी। मैं वहाँ पे बचपन में मन्नी जी का जो भी हमारे गुरुजनों का आदेश मिलता था तो मैं जा करके कुदाल से वृक्ष लगाया करता था। उसके बाद जो विभिन्न और सभी गुरुजनों का, वरिष्ठजनों का, जो जिनका भी मुझे जिनसे भी मैंने इस विषय पे चर्चा की, सबने मुझे प्रेरित किया इसी ओर। विशेष बात कोविड काल की रही, कोविड काल में मैंने अंतरात्मा से महसूस किया और उसके बाद मैंने सोचा कि जीवन के कुछ पल क्यों ना हम पर्यावरण संरक्षण के लिए बिताएं।